क्लासिक्स एक्सरसाइज 1.4 आज करनी है, ध्यान देंगे। इसमें मिलीलीटर से लीटर और ग्राम से किलोग्राम, किलोग्राम से ग्राम बनाना है। तो इससे पहले जो है हमें सीखना होगा कि एक मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, कितने डेकामीटर होते हैं, ये सब चीज़ देखनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे जो है लिखेंगे एक किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। इस प्रकार से एक हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर। इसी प्रकार से एक डेका मीटर बराबर 10 मीटर और एक डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर, एक सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर और 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर। इसे इस प्रकार से कहेंगे 1 km बराबर 100 मीटर, 1 hm बराबर 100 मीटर, 1 dam डेकामीटर बराबर 10 मीटर। इसे भी 1 dm डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर और 1 cm बराबर 1/100 मीटर और 1 mm बराबर 1/1000 मीटर। एक तो इसे याद करना है आपको, इसके अलावा और देखते हैं कुछ चीज़ें। जैसे किलोमीटर मीटर का संबंध है, हेक्टोमीटर मीटर का संबंध है, डेकामीटर मीटर का संबंध है, इसी प्रकार से इसे बटे वाले यूनिट थोड़ा ठीक करें अगर, तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, ये भी लिख सकते हैं। अब 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, यानी अगर नई लाइन्स देखें इन तीनों के लिए, तो 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर। अब मीटर में डेसीमीटर, मीटर में सेंटीमीटर, मीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं, अगर मैं कहने लगूँ 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का संबंध देखते हैं। तो इसके लिए 1 डेसीमीटर बराबर होगा भाई, जब 10 डेसीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है तो एक जो से एक जो उड़ जाएगी, 1 डेसीमीटर बराबर क्या होगा 10 सेंटीमीटर होगा, यानी जिसे मैं बॉक्स में कर रहा हूँ इन्हें याद भी करना है आपको, है ना। ये तो सभी ऊपर वाले याद करने हैं, नीचे वाले भी याद करने हैं। अगर मैं कहूँ कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर में क्या संबंध है, तो यानी 100 सेंटीमीटर बराबर
बराबर 1000 मिलीमीटर। अब इसके दो जीरो से दो जीरो उड़ा दी जाए तो 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 10 मिलीमीटर। और यदि पूछा जाए कि इन दोनों में क्या संबंध है डेकामीटर और मिलीमीटर में, तो 10 डेकामीटर बराबर 1000 मिलीमीटर यानी 1.0 यानी एक डेसीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर। ये इन तीनों में संबंध हो गया आपस में। अब चलिए इतना काम उतारने के बाद में जो है आप पर्सनली स्टार्ट कर सकते हैं। पहला सवाल है तीन लीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, हाउ मैनी मिलीमीटर्स मेक 3 लीटर्स। तो 3 लीटर्स इज इक्वल टू, अब 3 लीटर में कितने मिलीमीटर, मिलीलीटर्स, तो मिलीलीटर्स का मतलब है मिली में आ जाइए, तो 1 मीटर में जो है 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो ऐसे ही लीटर में जो है 1000 मिलीलीटर होंगे। तो इसका मतलब 3 गुना 1000 मिलीलीटर्स 3000 ml, कोमा यहाँ लगा देंगे, 3 अंक के बाद कोमा होता है। ये का पहला सवाल हो गया। दूसरा देख क्या पूछ रहा है, इसे पूछा है हाउ मैनी किलोग्राम्स आर एंड ग्राम्स शुड बी एडिड टू 2 किलोग्राम 300 ग्राम टू मेक इट 5 किलोग्राम 68 ग्राम। तो अगर ये तो वाला सवाल हो गया कि 2 किलो को जो है 5 किलो बनाने के लिए क्या कर जोड़ेंगे इसमें, तो ये सवाल घटा हो गया, 2 किलो में क्या जोड़ा जाए कि 5 बन जाए, तो 5 में 2 घटा देते हैं। तो अब भी यही काम करेंगे हम, क्या है इधर लिखेंगे किलोग्राम और इधर खाली ग्राम, तो 5 किलोग्राम है हमारे पास और क्या है 68 ग्राम है, 68 ग्राम। ये बच्चे याद क्या करते हैं, इसे 680 मान लेते हैं, तो यहाँ जो है जीरो जो है एक जीरो इधर रहेगी, ये 068 है। चलिए अब देखते हैं 2 किलोग्राम, बस जहाँ तुमने ये सब बात समझ ली वहीं जो है आप कामयाब हो जाएंगे। और ये 300 ग्राम घटा देंगे तो 8 बचा, 6 बजा, इधर 1 चला गया तो 1000 हो गया। 1 किलोग्राम यदि ग्राम में जाता है तो 1000 ग्राम जुड़ता है इसमें, यानी 1000, यानी यहाँ जो है 1068 था तो 10 में 3 गए 7। इसी प्रकार से यहाँ क्या हो गया, यहाँ 4 रह गए 4 में 2, तो आंसर आया 2 किलोग्राम 768 ग्राम आपको जो है जोड़ना होगा। चलिए इसका जो है 20 सवाल देखते हैं। कन्वर्ट एज डायरेक्टेड, कन्वर्ट करना है जैसे 15 लीटर और 653 मिलीलीटर को ml में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, इसका भी तरीका है। बी फर्स्ट सवाल ए 15 लीटर 653 मिलीलीटर इंटू ml, तो ml में कन्वर्ट करना है तो ऐसे करेंगे इसे 15 लीटर जमा 653 मिलीलीटर। अब 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 होते हैं, पीछे टेबल दी हुई है, तो 15 गुना 1000 ml प्लस 653 ml यानी 15000 ml प्लस 653 ml यानी 15653 ml हो गया है, ठीक है। इसमें जो है 3 अंक के बाद कॉमा लगा देंगे यहाँ, आइए
इसका भी 17 किलोमीटर 230 एका मीटर इंटू मीटर। अब 17 किलोमीटर है तो इसे जो मीटर में बदल दिए पहले आप, तो 17 × 1000 मीटर ये तो हो गया, प्लस 230 डेका मीटर को आप जो है मीटर में बदलेंगे तो 10 मीटर, कुल मिलाकर 17000 तो ये हो गया मीटर, प्लस 2300 मीटर ये आ गया, तो कुल मिला के जोड़ेंगे आप जोड़ लीजिएगा 19300 मीटर होगा और 3 अंक्यात कॉमन हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका जो है सी करते हैं, 5 किलोग्राम 9 मिलीग्राम इंटू मिलीग्राम, तो 5 किलोग्राम ग्राम बदलिए, 5 × 1000 ग्राम प्लस 9 मिलीग्राम तो ये हो गया 5000 ग्राम प्लस 9 मिलीग्राम। अब 5000 ग्राम को भी आप जो है मिली में बदलेंगे तो इसमें जो है 1000 गुना हो जाएगी, 1000 mg प्लस 9 mg तो ये हो गया होगा 5 × 3 × 3 = 6 1 2 3 4 5 6 mg प्लस 9 mg। अब आप जोड़ सकते हैं 1 2 3 4 5 और 9 mg, 3 अंक के बाद कॉमा फिर 2 अंक के बाद कॉमा, इतने mg आ गया। अब देखिए इसका डी, तेरह मीटर और 46 सेंटीमीटर इंटू mm, तो ये हो गया 13 × 100 मीटर का सेंटीमीटर बना लिया हमने यहाँ, जमा 46 सेंटीमीटर। अब सारा जो है 1300 सेंटीमीटर एक हुआ, 46 सेंटीमीटर एक हुआ, यानी 1346 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को किसी में बदलना है, मिलीमीटर में बदलना है। अभी हमने क्या सिखाया था, हमने ये भी लिखा था कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है, सेंटीमीटर चेंज इनटू मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर मिलीमीटर का क्या ताल्लुक आता है, ये है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, यानी अभी से कन्वर्ट कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1346 × 10 मिलीमीटर यानी 13460 mm, और साथ में यहाँ लिख देंगे चूँकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ये आपको लिखना है। इस प्रकार से इसके जो हैं पहला सवाल आपको पूरा हो जाता है। अब देखिए सवाल आ जाते हैं भाग के, पर मैं उसे भाग के नहीं बताऊंगा, आप खुद समझेंगे भाग कैसे करते हैं। पहले का एग्जांपल सोच लीजिए, अगर किसी व्यक्ति ने ज़्यादा चीज़ की कीमत बताई, मान लीजिए 15 चीज़ जो हैं 150 रुपये की हैं, तो एक चीज़ कितने की हुई, तो 15 चीज़ अगर 150 की हैं, एक चीज़ कितने की है। ये तरीका ये है, आप समझने की कोशिश करें कि 15 वस्तुओं का जो मूल्य है वो 150 रुपये है, और किसने 5 वस्तुओं का या 20 वस्तुओं का पूछ लिया, 20 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा। तो इसका सीधा लॉजिक है कि हमें पहले एक वस्तु का मूल्य पता होना चाहिए। तो एक के लिए क्या करेंगे आप, अगर 15 वस्तुओं का मूल्य 150 है तो एक वस्तु का कितना, तो एक वस्तु निकालने के लिए भाग का सवाल हो गया सीधा। ये पहले होता है भाग, यानी आप दिमाग में डाल दीजिए, एक वस्तु की चीज़ की कीमत निकालने के लिए, एक वस्तु की वैल्यू निकालने के लिए पहले करेंगे भाग, और फिर जब एक का निकल जाएगा है ना, 10 रुपये आ गया मान लीजिए,
जब एक का निकल जाएगा तो फिर 5 का निकाल लो, 20 का निकाल लो, चाहे कितने का भी निकाल लो, वो सीधा हो जाएगा सवाल गुणा का। तो ये बात आपको जो है आ जानी चाहिए, अगर आप 6th क्लास में आ गए हैं तो ये आपको जो है अच्छे से 4th और 5th में सिखा दी गई होगी कि भाग कब करते हैं, गुणा कब करते हैं। तो इसी पर आधारित जो है सवाल नंबर 2 है, इसने कहा है द कॉस्ट ऑफ 17 फ्लैट्स ऑफ आवास विकास परिषद में 24,79,773 रुपये के हैं, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द ईच फ्लैट, प्रति फ्लैट की कीमत क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, द कॉस्ट ऑफ 17 फ्लैट्स ऑफ आवास विकास परिषद 24,79,773 रुपीज़ का इंसान लगा देंगे यहाँ, इसलिए द कॉस्ट ऑफ 1 फ्लैट ऑफ AVP इज इक्वल टू, यहाँ रुपीज़ का इंसान लगाएंगे, चौबीस 7,973/17 हो गए ना, भाग का सवाल ये। तो भागने के बाद जो रुपये आए वे आते हैं आपके 14,589.35, 1,45,869 रुपये का जो है ये फ्लैट होगा। तो आप जो है लिख सकते हैं सो द कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट, तो इसमें 35 छोड़ देंगे बस, 14,589 ये आ गया। अब जैसे अगला सवाल है नंबर 3, वो क्या है देखते हैं, द टोटल मास ऑफ 32 पैकेट्स ईच ऑफ सेम मास, यानी प्रत्येक का जो है मास भी सेम है, तो 32 पैकेट का जो द्रव्यमान है वो 50 किलोग्राम 400 ग्राम है, व्हाट इज द मास ऑफ ईच पैकेट। तो सीधा सवाल है प्रत्येक पैकेट का मास कितना होगा, इसी तरह से जो है सवाल भाग का हो गया। तो लिखेंगे 32 पैकेट का मास पचास के जी 400, यानी 50 गुना गुना कर लीजिए 1,000 की, ये ग्राम में आ गई, प्लस 400 ग्राम ये आ गया आपके 50,000 ग्राम, तो ये प्लस 400 ग्राम ये 50,400 ग्राम, तो ये आगे सीधा का क्यों करा एक जैसे, भाग देने के बाद किलोग्राम में चेंज कर देंगे, इसलिए मास ऑफ 1 पैकेट इज इक्वल टू 50,400/32 ग्राम में आ जाएगा। तो जब आप भाग करेंगे 32 से 50,400 को, तो 32 एकम 32 बचे 8 और 1 उतार लिया 4 का, 32 पंजे चलाइए 160, 4 उतार लिया ये 2 हो गया, 1 0 और 32 सत्ते कितने होंगे देखिएगा 224, यहाँ बचे 16, 1 0 उतार लीजिए और 32 पंजे 160 ही होते हैं, यानी 1,575 ग्राम आ गया, यानी 1,000 ग्राम प्लस 5,75 ग्राम यानी 1 kg 575 ग्राम। इसके बाद में सवाल नंबर 4 देखिएगा, सवाल नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, बाई हाउ मच
बयासी पाँच सोलह इज लेस देन 1 करोड़, यानी 1 करोड़ से कितना कम है, तो सीधे घटा का सवाल हो गया, तो घटा देंगे और क्या करना है इसमें, तो लिखेंगे वन करोड़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख, अभी करोड़ नहीं हुआ, ये हो गया करोड़, इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख करोड़, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है, इसमें से घटा देंगे जो ये अमाउंट दी है, ये दी है 56,82,516, तो घटाएंगे 56,82,516, घटा का सवाल भी आपको नहीं आएगा क्या, घटा देंगे जो भी आंसर आएगा यही आंसर होगा। नंबर पाँच, देखिए इसे कहा कि 20 लीटर आइसक्रीम का गैलन है, एक ड्रम है कोई जिसमें 20 लीटर आइसक्रीम रखी हुई है, इसे 500 ml के आइसक्रीम कप्स में भरना है, यानी कपों में भरना, तो कितने कपों की आवश्यकता होगी, रिक्वायर्ड कप की आवश्यकता कितने, मतलब पूछ रहा है ये, तो आप रिक्वायर्ड कप कैसे निकालेंगे, यानी एक कप के अंदर कितने आइसक्रीम, कितनी आइसक्रीम डाल रहे हैं, 500 ml डाल रहे हैं, तो 500 कितने बनेंगे, तो सीधा भाग का सवाल हो गया, तो आप इसे लिखेंगे 10 काट दीजिए, आइसक्रीम लिख लीजिए, आइसक्रीम कितनी है, तो आइसक्रीम लिखेंगे 20 लीटर है, यानी कितने ml होगी, 20 × 1000 ml, यानी होगी 20,000 ml होगी, ठीक, एक कप में कितनी आइसक्रीम आ रही है, 1 कप, कंटेन्स द आइसक्रीम या वॉल्यूम ऑफ 1 कप, ये लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 कप लिखेंगे, आयतन, वॉल्यूम ऑफ 1 कप इज इक्वल टू 500 ml, यानी जो है वॉल्यूम आ गया, आयतन आ गया, 500 ml भर सकते हैं, 500 ml भरेंगे, ठीक है, सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कप्स इज इक्वल टू नेट आइसक्रीम एंड टोटल आइसक्रीम कितनी थी अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 कप, एक कप का वॉल्यूम कितना, तो 20,000 से को भाग कर देंगे 500 ml से, तो दो जी उड़ा दीजिए, 5×20 = 40 कप आ गए, ठीक है, आज के लिए इतना काम काफ़ी है, अगली वीडियो में अगला काम देखा जाएगा, इसे पूरा करना है।